हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष पोडो में। आज हम बात करने वाले किया कैरेंस के बारे में। अपने सेगमेंट की 7 सीटर MPV कार है भाई, सीधे कंपटीशन देती है मारुति अर्टिगा, XL6, टोयोटा रोमियोन जैसी गाड़ियों को। स्टार्टिंग प्राइस की बात की जाए तो 10,52,000 एक्स शोरूम से इसका बेस वेरियंट स्टार्ट होता है और टॉप चला जाता है 19,68,000 एक्स शोरूम तक। इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग देखने को मिल जाते हैं, मतलब सेफ्टी के पर्पज से भी काफ़ी बढ़िया है। और अभी आपके सामने इसका सबसे बेस प्रीमियम वेरिएंट खड़ा हुआ है। अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, आपकी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है, आपको 7 सीटर कार चाहिए, तो आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन ही रहने वाला है। तो आज इसी बेस वेरिएंट के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, इसके एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक, इंजन, फीचर्स, देन प्राइस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कलर चॉइसेस की। तो अभी आप देख रहे हैं इसके व्हाइट कलर को, इसके अलावा रेड, सिल्वर, ब्लैक, ब्लू, ग्रे, बहुत सारी कलर चॉइसेस आपको देखने को मिल जाती हैं इसकी कैरेंस के अंदर। इंजन की बात की जाए तो वो भी आपको मिलेंगे 3 तरह के, 1.5 लीटर का पेट्रोल, 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन। अभी आप देख रहे हैं 1.5 लीटर पेट्रोल को निकाल देता है 115 bhp और 144 Nm का टॉर्क। माइलेज भी आपको काफ़ी अच्छा सा मिलेगा, 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर तक का। मैनुअल, IMT, DCT ये सारे आपको ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएंगे। 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिलती है। की बात की जाए तो सबसे बेस में ऐसी कुछ आपको नॉर्मल सी की मिलेगी, कोई रिमोट शटर लॉकिंग की नहीं मिलती है। इसके ऊपर वाले प्रीमियम ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको रिमोट की देखने को मिल जाएगी। अब चलिए बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से। तो सेंटर में आपको मिलती है किया की ब्रांडिंग, किया का लोगो। अगर ग्रिल की बात की जाए तो आगे से पूरी क्लोज ग्रिल आपको मिलती है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। यहाँ पर आपको सिल्वर इंसर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। बगल में देखेंगे तो ऊपर आपको मिलते हैं LED DRL, नीचे आपको हेलोजन हेडलैम्प्स ऑफर किए जा रहे हैं, बगल में मिलती है आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट। सामने बैठने पे ऐसा कुछ आपको पूरा फ्रंट फेसिया नज़र आएगा। जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है वो है लगभग 195 mm का। ये तो हुए फ्रंट फेसे की बात, ये रहा इसका बोनट। एंड ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको डुअल वाइपर विद बॉसर का सेटअप देखने को मिल जाता है। अगर रूफ की बात की जाए तो प्लेन रूफ है, पीछे आपको मिलता है पावर एंटेना इस वाले वेरिएंट के अंदर। अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। तो भाई साइड से देख लो, ऐसे कुछ आपको यहाँ पे लुक्स नज़र आने वाले हैं। 4540 mm लेंथ है, 1800 mm इसकी विड्थ है और 1708 mm आपको यहाँ पे हाइट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको 15 इंच की स्टील व्हील मिलेंगे, व्हील कवर्स के साथ में किया की ब्रांडिंग, किया का लोगो देखने को मिल जाता है। JK के टायर्स हैं। अगर टायर सेक्शन की बात की जाए तो 195/65 R15 का दिया जा रहा है। ऊपर आपको काफ़ी चौड़ी सी क्लैडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इस वाले ब्रांड में आपको फेंडर पे इंडिकेटर मिलेंगे। आउटसाइड मिरर की बात की जाए जो बॉडी कलर रहने वाले हैं एंड मैनुअली एडजस्टेबल एंड मैनुअली फोल्डेबल हैं। अंदर आपको लीवर सा मिलेगा इनको एडजस्ट करने के लिए। जो गाड़ी का ए पिलर है वो आपको रहने वाला है पूरा ही ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। ये रहे इसके बॉडी कलर डोर हैंडल्स। अगर इसका फ्रंट डैशबोर्ड दिखाऊं तो ऐसा कुछ आपको मिलता है काफ़ी एरी सा डुअल टोन कलर में। कोई ऑडियो सिस्टम आपको नहीं मिलता इस वाले वेरिएंट के अंदर। अब इसको आगे प्रॉपर कवर करते हैं। बी पिलर आपको मिलता है मैट फिनिश में। चारों पहियों में आपको मिलेगी डिस्प्ले किया कैरेंस के अंदर, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। पीछे भी आप पूरे में क्लैडिंग वगैरह देख सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। तो भाई रियर से भी देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया शानदार से आपको लुक्स मिलेंगे। कनेक्टिंग टेल लैंप्स हैं, ऊपर आपको पावर एंटीना, ये इसका स्पॉयलर, हाइमन शॉप रैम, कोई डिफॉगर, कोई वाइपर आपको नहीं मिलेगा। किया की ब्रांडिंग, किया का लोगो और ये रहे इसके टेल लैंप्स। ये पूरे बूट में नहीं जलते इस वाले वेरिएंट के अंदर। एंड टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट, रिवर्स साइड की प्लेसमेंट आपको यहीं पे देखने को मिल जाने वाली है। बाकी इधर देखेंगे तो आपको मिल जाती है कैरेंस की बैजिंग। एंड यहाँ पे आपको मिलता है फ्यूल फिलर कैप, यहाँ से डलवाएंगे आप पेट्रोल। 45 लीटर की आपको मिलती है टैंक कैपेसिटी। नीचे बम्पर में आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर, 4 ईयर पार्किंग सेंसर, 4 पॉइंट्स आप देख सकते हैं। अगर नीचे की बात करें तो स्पेयर व्हील आपको मिल जाता है यहाँ पे। सस्पेंशन सेटअप, एग्जॉस्ट टेल पाइप आप देख सकते हैं। अब चलिए इसका बूट ओपन करते हैं तो यहाँ पर मिलता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक बटन। अगर स्पेस की बात की जाए तो लगभग 250 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है, लेकिन अगर आप पीछे वाली सीट को फोल्ड कर देंगे तो बन जाएगा लगभग 530 लीटर का बूट स्पेस। यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस आपको मिलता है, कुछ भी आप रख सकते हो। एंड ये पीछे वाली सीट जो है आराम से आप इनको फोल्ड कर सकते हो। अगर आप कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो इनको फोल्ड कर दीजिए और आपका सामान जो है अच्छा खासा यहाँ पर आ जाएगा। और किया कैरेंस के अंदर आपको 6 सीटर 7 सीटर दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, देख रहे हैं ना, काफ़ी अच्छा सा स्पेस यहाँ पर बन जाएगा। और इन सीट को लगा देते हैं अपनी जगह पर। और ये पीछे वाली सीट जो है अच्छा खासा रेक्लाइन भी हो जाती है, जिससे कि आपको थर्ड रो में काफ़ी कंफर्टेबल आप बैठ पाओगे। और इनको रेक्लाइन करने के लिए ये लीवर आपको मिलता है, इसको प्रेस करके आप इन सीट को पीछे करेंगे ना तो अच्छा खासा ये रेक्लाइन हो जाती है। तो थर्ड रो में भी आपको स्पेस की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, स्पेस जो है अच्छा खासा दिया जा रहा है किया कैरेंस के अंदर। अब चलिए इसके बूट को कर देते हैं बंद और चलते हैं इसके थर्ड रो में बैठ के देखते हैं वहाँ पर कितना क्या सीटिंग कम्फर्ट, लेग रूम, हेड रूम आपको मिलेगा। मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है और अभी मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। तो उसमें जाने के लिए आपको इस वाली सीट को टंबल करना पड़ेगा,
इसमें सिर्फ आपको एक बटन प्रेस करना पड़ता है, वो यहाँ पे दिया जा रहा है। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो पूरी सीट अपने आप टंबल हो जाती है, आपको कोई भी झंझट यहाँ पे नहीं करना पड़ता है। स्पेस देख लीजिए, अंदर जाने के लिए इतना कुछ आपको मिलेगा। आप चलिए चलते हैं अंदर और आपको बैठ के दिखाते हैं। और आगे वाली सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली है, इतना कुछ आपको स्पेस मिलता है, देख रहे हैं ना कितना बढ़िया स्पेस आपको मिलता है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। और ये अंदर का पूरा स्पेस, यहाँ पे टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट दिया जा रहा है, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर, कुछ स्पेस, ग्लास पैनल, यहाँ पे आपको एसी के वेंट्स भी मिलते हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है थर्ड रो के लिए। यहाँ पे आपको लाइट्स दी जा रही हैं और पीछे के जो दोनों हेडरेस्ट हैं उनको भी आप एडजस्ट कर पाओगे, एडजस्टेबल रहने वाले हैं। और इधर भी आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे कुछ स्पेस, ऊपर आपको एसी के वेंट्स, ग्लास पैनल, ये इसका फ्रंट डैशबोर्ड। आप चलिए चलते हैं बाहर और बैठेंगे इसके सेकंड रो में, वहाँ पे बैठ के देखेंगे आपको कितना क्या सीटिंग कंफर्ट, लेग रूम, हेड रूम मिलेगा। इस सीट को पहले अपनी जगह पे लगा देते हैं, डोर को करते हैं क्लोज और चलते हैं ड्राइवर साइड की तरफ। तो ये रहे इसके डोर हैंडल्स। डोर ट्रिम की बात की जाए तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा डुअल टोन कलर में, देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पर आपको विंडो कर्टेंस मिलती हैं सबसे बेस ब्रांड में, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको डोर ओपनर, पाउंडो के कंट्रोल्स, ये पूरा ये ग्रैब हैंडल, स्पीकर के लिए जगह, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा स्पेस। सेकेंड रूम में आपको इतना कुछ लेग रूम मिलेगा, हेड रूम देख लीजिए और दो दो हेडरेस्ट हैं जिनको आप एडजस्ट कर पाओगे। तो पूरी गाड़ी में स्पेस की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब चलिए अंदर बैठते हैं और अंदर से बैठ के पूरा स्पेस चेक करेंगे। तो आगे वाली सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली है, मेरी हाइट 5'8" है। नी रूम देख लो, लेग रूम देख लो, अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी बढ़िया मिलता है। और इस वाली सीट को आप पीछे स्लाइड कर सकते हो इस वाले लीवर के थ्रू, जिससे कि स्पेस और भी अच्छा बन जाएगा। और साइड में आपको लीवर मिलता है इस सीट को रिक्लाइन करने के लिए, जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो अच्छा खासा आप इसको पीछे रिक्लाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पे बैठ पाओगे। देख रहे हैं ना कितना बढ़िया रिक्लाइन हो गई है। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट भी दिया जा रहा है, ये आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। आगे सीट पे आपको पॉकेट्स वगैरह भी देखने को मिल जाती हैं। अगर सेंटर की बात की जाए तो ब्लोअर की स्पीड को कम ज़्यादा करने का लीवर, नीचे आपको टाइप सी के दो चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस, ये अंदर का पूरा इंटीरियर, यहाँ पे ग्रैब हैंडल, दो दो हेडरेस्ट जो कि एडजस्टेबल हैं मैं आपको दिखा चुका हूँ। एंड ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एसी के वेंट्स मिलते हैं, लाइट के कंट्रोल्स हैं। एंड ये रहा इसका फ्रंट डैशबोर्ड जो कि डुअल टोन कलर में है, देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। कोई ऑडियो सिस्टम नहीं मिलता इस वाले वेरियंट के अंदर। अगर आप इसके ऊपर वाले प्रीमियम ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऑडियो सिस्टम देखने को मिलेगा। आप चलते हैं इसके फ्रंट ड्राइवर सीट के ऊपर। तो ये रहे इसके बॉडी कलर डोर हैंडल्स। डोर ट्रिम की बात की जाए तो सेम आपको रियर की तरह यहाँ पे डुअल टोन कलर में देखने को मिलता है। ये मैनुअल ओआरवीएम के कंट्रोल्स, यहाँ पे डोर ओपनर, चारों पाउंडो के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक का बटन, यहाँ पे स्पीकर के लिए जगह, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा स्पेस, अम्ब्रेला होल्डर। फ्रंट कैबिन की बात की जाए तो इतना कुछ स्पेस। आगे वाले जो हेडरेस्ट हैं वो भी एडजस्टेबल रहने वाले हैं। ये इसका फ्रंट डैशबोर्ड और ये देख लीजिए 6 एयरबैग आपको मिलते हैं, यहाँ पे आपको बैजिंग मिलेगी। अंडर थाई सपोर्ट आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है फ्रंट सीट्स पे। यहाँ से हाइट, यहाँ से रिक्लाइन कर सकते हैं। नीचे आपको फील्ड कैप ओपनर, यहाँ पे मैनुअल एबीसी पेडल्स, बोनट आप यहाँ से खोल सकते हो। यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट शॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, यहाँ पे हेडलाइट लेवलर और ये रहे इसके एसी के वेंट्स। आप चलिए अंदर बैठते हैं और अंदर से बैठ के सारी चीज़ें कवर करते हैं। तो फ्रंट ड्राइवर सीट पर बैठने के बाद ऐसा कुछ नज़र आने वाला है इसका फ्रंट डैशबोर्ड। ये रहे इसकी नॉर्मल सी की। अगर क्लस्टर की बात की जाए तो फुली डिजिटल क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा, एक तरफ आरपीएम मीटर, एक तरफ स्पीडोमीटर, बीच में एमआईडी, जिसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। टीपीएमएस भी आता है सबसे बेस वेरिएंट के अंदर। पांचों सीट बेल्ट्स के रिमाइंडर, चेक लाइट्स, इस एमआईडी को आप यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे। ट्रिप पे, ट्रिप बी, माइलेज, रेंज, सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। नीचे साइड में देखेंगे तो इंजन टेम्परेचर, फ्यूल गेज, सारी चीज़ें दिखा रहा है। स्टीयरिंग की बात की जाए तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा, सेंटर में किया की ब्रांडिंग है, यहाँ पे आपको एमआईडी के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे वाइपर और इधर दिए गए हेडलैम्प के सारे कंट्रोल्स। अगर एडजस्टमेंट की बात की जाए तो नीचे आपको मिलता है लीवर, जिसके थ्रू आप अपनी स्टीयरिंग को टिल्ट ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए आपको करके दिखाता हूँ। चलिए इसको कर देते हैं लॉक। अब बात करते हैं गाड़ी के सेंटर कंसोल की। तो यहाँ पे कोई भी ऑडियो सिस्टम नहीं है, आपको बाद में लगवाना पड़ेगा एंड आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी लगवा सकते हैं। नीचे की बात की जाए तो यहाँ पे हैजार्ड का स्विच है, यहाँ पे मैनुअल एसी के कंट्रोल्स, यहाँ पे एसी के वेंट्स। नीचे की बात की जाए तो 12 बोल्ट का चार्जिंग आउटलेट, टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे कुछ स्पेस, ये इसका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक, यहाँ पे दो कप होल्डर, ये इसका आर्मरेस्ट काफ़ी बड़े साइज में है। और इसके अंदर भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा सा स्पेस आपको मिल जाता है। ये ट्रे यहाँ पे लगी हुई है, चलिए इसको लगा देते हैं अपनी जगह पे, इसको करते हैं क्लोज। ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो इसके अंदर भी आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया पूरा फ्रंट डैशबोर्ड, काफ़ी बढ़िया सुंदर सा लग रहा है। स्टैंडर्ड आपको 6 एयरबैग देखने को मिल जाएंगे फ्रंट में, पिलर्स पे, सीट्स पे,
बाकी ऊपर देखेंगे तो मैनुअल डे नाइट आईआरवे में, इधर सनवाइजर में कोई मिरर नहीं मिलता है। अगर कोड वेबसाइट की बात की जाए तो यहाँ पे दिया जा रहा है, सनग्लास होल्डर है। बाकी यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि हेलोजन में रहने वाले हैं। विजिबिलिटी वो भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है इस किया कैरेंस के अंदर। ये तो गई पूरे इंटीरियर की बात, अब चलिए गाड़ी को ऑफ करेंगे, बात करेंगे इसके सेफ्टी फीचर्स और प्राइसिंग की। तो इसके अंदर आपको ABS विद EBD, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, एंटी थर्ट अलार्म, सीट बेल्ट वार्निंग, TPMS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, और यहाँ पे आपको मिल रहे हैं 6 एयरबैग। प्राइसिंग की बात की जाए तो अभी आप देख रहे हैं प्रीमियम वेरिएंट को, बेस वेरिएंट है 10,52,000 एक्स शोरूम, और लगभग 12,20,000 रुपये की आपको ये ऑन रोड लखनऊ पड़ने वाली है। तो अगर आपका बजट है 12 से 12.5 लाख के बीच में, पेट्रोल वेरिएंट अगर आपको लेना है तो आप जा सकते हैं इस किया कैरेंस की तरफ। काफ़ी बढ़िया 7 सीटर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आपके लिए परफेक्ट चॉइस ये रहने वाली है। तो ये थी किया कैरेंस, कैसी लगी आपको नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देगा, एंड स्पेशल थैंक्स टू किया बालाजी तेलीबाग लखनऊ जिन्होंने मुझसे कवर करने का मौका दिया। तो डील एनी किया कार्स, विजिट दिस शोरूम। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।